Assalamu alaikum everyone, hope you guys doing great. Welcome to another vlog. So everyone, is time I'm Majood Naran. Lahore se nikle 8 baje raat ko aur pahunche Mansera subah 4 baje. Subah 4-5 baje nikle Mansera se yahan pe pahunche 7-8 ghanton mein Naran. Kal ka din yahan pe stay kiya aur abhi nikalne lage Naran se aage Babusar top se phir Skardu. Mansera se lekar Naran tak aapko alag milega aur Naran se lekar Babusar top ka alag और बाबूसर टॉप से लेकर Skardu तक का अलग. इतने पॉइंट होंगे, उन सबकी अलग अलग वीडियो आपको मिलेगी क्योंकि एक वीडियो पे एक्सप्लोर करना काफ़ी मुश्किल है. तो इस टाइम में मैं Naran हूँ और Naran से निकलने लगा हूँ आगे. अभी धूप निकली हुई है, कल मौसम काफ़ी लेवल था. बाकी सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी वीडियो के अंदर. ये गाय सारे रेडी हो चुके हैं. हाँ जी, गुलफाम भाई किधर को निकलने लगे हैं? Skardu. Skardu. ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ. ਤੁਸੀਂ Skardu ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ. ਹਾਂਜੀ ਡਿਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮੁਝੇ ਯਾਰ ਜਹਾਂ ਪੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ. ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ. ਡਨ ਕਰ. ਇਹ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਾਰਾ ਔਰ ਯਹਾਂ ਸੇ ਨਿਕਲ ਲਾਂਗੇ ਬਾਬੂਸਰ ਟੋਪ. ਵਹਾਂ ਪੇ ਰੁਕेंगे ਘੰਟਾ ਡੇਟ ਵਿਊ ਕੈਪਚਰ ਕਰेंगे ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੇ Skardu. यार जो कल सनसर टूटा था सफलों के रास्ते पे, ये फिट करवाते हैं. इसको अच्छे से फिट करवाने के बाद फिर सफ़र कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कल ऑफ रोडिंग थी काफ़ी ज़्यादा. अभी आगे भी ऑफ रोडिंग मिलेगी लेकिन सफल लोग जितनी ऑफ रोडिंग नहीं होगी. यार ये है Naran की दूसरी साइट जहाँ से सीधा रास्ता जाता है Babusar टॉप को, और शाम को 7 बजे यहाँ से रास्ता बंद कर दिया जाता है Babusar टॉप. कोई गाड़ी नहीं जा सकती और वहाँ से आने वाली गाड़ियाँ भी चला से शाम को 7 बजे रास्ता बंद कर दिया था क्योंकि ये जो रास्ता है काफ़ी डेंजरस है. यहाँ पे मारखोर, लेपर्ड वगैरह आम पाया जाता है. फुल जंगलात का रास्ता है तो इसीलिए जो भी गाड़ी जाती है टाइम से जाती है और शाम 7 बजे के बाद कोई गाड़ी यहाँ पर एंटर नहीं हो सकती. ये 4 महीने खुलता है साल के, उसके बाद ये बर्फ़ से ढका रहता है. Naran, Babusar टॉप ये सारा बंद होता है. कगान कुछ टाइम पहले खुल जाता है क्योंकि वो थोड़ा नीचे चला जाता है. यहाँ Naran से Babusar टॉप का जो टोटल सफ़र है वो है 64 किलोमीटर. 64 किलोमीटर सफ़र पे जो टाइम लगता है वो 3-4 घंटे लग जाते हैं. चढ़ाइयाँ है, आगे ऑक्सीजन का इशू है जिस वजह से बाइक मिसिंग करती है, गाड़ी भी मिसिंग करती है. कार्बोरेटर बेस्ड जितनी भी व्हीकल्स हैं उनमें मसला आता है. यार ये वो ज़िप लाइन है जो रिवर के ऊपर से जा रही हैं. 2 से 3 ज़िप लाइन है. हम लोगों ने ज़िप लाइन कर दिया स्किप. उसकी रीज़न है कि टाइम बहुत कम है, 2-3 बजे का टाइम है. अभी हमने Babusar टॉप पॉइंट है, Babusar टॉप से आगे फिर नीचे भी उतरना है, चलास आगे जंगलोट में हमारा स्टे होगा, टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा. तो ज़िप लाइन जो है हमने वो डिसाइड किया कि वापसी पर इंजॉय करेंगे. यार वाटर क्रॉसिंग हो चुकी हैं शुरू. ये पहली वाटर क्रॉसिंग है Naran के बाद Babusar टॉप के रास्ते की. आगे जो वाटर क्रॉसिंग मिलने वाली है वो इससे कमाल मिलने वाली है. साफ़ पानी और ठंडा पानी, ये भी ठंडा है लेकिन आगे बहुत ज़्यादा मिलने वाला है. सो वेलकम टू बाटा कुंडी. यहाँ बाटा कुंडी में नेटवर्क नहीं है और बिजली भी नहीं है, जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है. हमने सोचा था कि हम स्टे जो है बाटा कुंडी करेंगे क्योंकि यहाँ पे खामोशी रहती है, Naran में रश रहता है. तो इसीलिए माइंड था कि यहाँ पे स्टे करेंगे लेकिन यहाँ पे नेटवर्क ना होने की वजह से, बिजली ना होने की वजह से हमने जो स्टे किया वो मजबूरन Naran में किया.
फाइनली आ चुकी है सबसे ख़तरनाक बॉर्डर क्रॉसिंग। सबसे ख़तरनाक बॉर्डर क्रॉसिंग मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बाइकर हजरात को बिल्कुल नहीं छोड़ती। हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें हमारे शूज़ जो है इसमें गीले होने वाले हैं, क्योंकि इस वाटर क्रॉसिंग का प्रेशर इतना क्या है कि जितनी मर्ज़ी कोशिश करें आराम से बाइक गुजारें, जैसे मर्ज़ी कर लें हमारे शूज़ नहीं बचने वाले। शूज़ हमारे इसमें गीले होने वाले हैं, स्लो गुजार के भी शूज़ गीले होते हैं, ऊपर तक पानी आता है, इतना प्रेशर है। यार बर्फ़ के ग्लेशियर हो चुके हैं स्टार्ट, ठंडी ठंडी हवाएं बज रही हैं। जब ठंडी हवाएं बजती हैं तो टूर पे जितने भी पैसे लगे होते हैं वो होते हैं सारे के सारे पूरे। और बाइकर हज़रात को मैं यही कहूँगा कि जब भी आप बाबूसर टॉप के रास्ते पे हैं तो आप फुल पैकिंग के साथ आएँ, क्योंकि अभी मेरे हाथ जो है वो हल्के हल्के फ्रीज़ हो रहे हैं, मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए वीडियो के चक्कर में। बाबूसर टॉप के रास्ते में आपको एक के बाद एक ग्लेशियर मिलेगा। यहाँ पे बाकी रास्ता सारा खुला होता है, बाबूसर टॉप का रास्ता बंद होता है, तो इन्हीं ग्लेशियर की वजह से होता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़े ग्लेशियर आए होते हैं नीचे रोड पे, इनको हटाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, जिस वजह से बाबूसर टॉप का जो रास्ता है वो काफ़ी लेट खुलता है। वेलकम टू बुरवाई। इस गांव का नाम बुरवाई क्यों रखा गया मैं आपको ये भी बताता हूँ। इस गांव में बुराइयाँ बहुत ज़्यादा होती थी, तो इसीलिए लोगों ने इसका नाम भी बुराई रख दिया, बुरवाई रख दिया। और इसके बाद छोटे छोटे दो गांव आएंगे, उसके बाद फिर बाबूसर टॉप, बाबूसर टॉप के बाद आगे फिर चलास 40 किलोमीटर, आगे जंगलात ही देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे गाँव हैं तो उसके अलावा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। यार ये जो वाटरफॉल है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, गोप्रो में शायद सही से नज़र ना आ रही हो, आपको ये शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगी। यार चढ़ाइयाँ हो चुकी हैं ना शुरू, बाइक का रिफुल मिसिंग, 10-15, 10-15-20 इससे ऊपर बाइक जा नहीं रही। जितनी मर्ज़ी कर लो फुल रेस के ऊपर 20 से ऊपर बाइक नहीं जा रही, उसकी रीज़न यही है कि ऑक्सीजन का इशू है यहाँ पे। वेलकम टू लुलूजर लेक। ये लुलूजर लेक जो है इसकी कहानी क्या है ये हमें ख़ुद नहीं पता। काफ़ी बड़ी लेक है और बड़ा खूबसूरत व्यू है, ब्लू पानी है, फुल ठंडा पानी है। अभी आगे लगाते हैं बाइक और बाइक लगा के जाते हैं नीचे की तरफ। यहाँ से जाते हैं नीचे, नीचे आधा पौना घंटा बैठेंगे, चिल करेंगे और उसके बाद आगे बाबूसर टॉप है 22 किलोमीटर,
मैक्सिमम डेढ़ घंटा लगेगा क्योंकि चढ़ाइयाँ काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन का भी इशू है और लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं चटाइयाँ वगैरह बिछा के, मौसम काफ़ी अच्छा, ठंडी हवाएं चल रही हैं। यार ये व्यू है लुलुजर लेक का, धूप निकली हुई है, जब बादल होते हैं तो व्यू इससे भी कमाल होता है। यार हम लोग लुलुजर लेक पे घंटा चिल करने के बाद दोबारा सफ़र कंटिन्यू कर रहे हैं बाबूसर टॉप का, जहाँ से घंटा डेढ़ लगेगा। बाबूसर टॉप 20-22 किलोमीटर सफ़र है तो इतना टाइम लग जाएगा और वहाँ पर रुकेंगे घंटा और उसके बाद फिर निकल जाएंगे आगे चलास की तरफ। या बाबूसर टॉप से चलास का रास्ता भी काफ़ी डेंजरस है, कोशिश करेंगे अंधेरे से पहले पहले जो है हम लोग चलास उतर जाएं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बाबूसर टॉप। बाबूसर टॉप पे जो है इस टाइम पे धूप निकली हुई है, जब धूप नहीं होती तो वेदर बहुत ज़्यादा कमाल होता है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे चेक पोस्ट भी बन चुकी है, लास्ट टाइम यहाँ पे चेक पोस्ट नहीं थी और होटल भी नहीं थे, इस टाइम पे होटल भी बन चुके हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और इनके होटल के जो रेट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हैं क्योंकि यहाँ पे चंद होटल हैं और यहाँ पे लोग ज़्यादा रुकते भी नहीं हैं। रात के टाइम जो है माइनस टेम्परेचर होता है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है। बाबूसर टॉप को इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया है, झूले भी काफ़ी ज़्यादा बना दिए गए हैं, 8 से 10 जिप लाइन भी बना दी गई हैं। जिप लाइन छोटी हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर दिया है। 2019-20 में तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ एक परचून की दुकान थी और या फिर एक दो पकौड़े वाले मिलते थे यहाँ पर। ये जो ग्लेशियर आपको नज़र आ रहा है ये ख़त्म नहीं होता, ये बढ़ा रहता है। यहाँ पर लोग आते हैं, गोलाबारी करते हैं एक दूसरे के साथ। ये सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आप थोड़ी देर रुकेंगे तो आपको कोई ना कोई चीज़ देखने को मिलेगी। मार्क और लेपर्ड आम पाए जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फुल जंगलात है। टूरिस्ट आता है बाबूसर टॉप तक क्योंकि रोड यहाँ तक मिलता है। जो दूसरी साइड सामने पहाड़ आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई इंसान नहीं जाता, यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो बकरियाँ चराने के लिए आगे पीछे फिरते रहते हैं, लेकिन वो भी मुश्किल ही है कि सामने वाले पहाड़ पर जाएँ, वो बहुत ज़्यादा दूर है। सो एवरीवन इस टाइम पे मौजूद है बाबूसर टॉप, पिछले साल ये बाबूसर टॉप से नीचे उतरने लगे हैं चलास की तरफ, चलास से आगे फिर जंगलोट, जंगलोट से फिर स्कर्दू। रास्ते में स्टे होगा, शाम का टाइम है तकरीबन कोई 6 बजे का टाइम है, तो नीचे उतरते उतरते यहाँ से चलास 40 किलोमीटर है, नीचे उतरते भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। और वीडियो काफ़ी हो चुकी है लंबी, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म।